Un cambio. पंद्रह नंबर के रजिस्टर में पहले पेज पर तीन एक अठासी का पैसे क्लास ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी नहीं कहा जाता, ये है मनुष्य शक्ति और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। मनुष्यों में और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर? सूक्ष्म वतनवासी होते हैं मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाले निर्विकारी स्टेज में, और मनुष्य होते हैं विकारी। तो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप, विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है, आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह के रखने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाएगा। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा। अविनाशी परमात्मा, आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपन को जानती है कि हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना। ये सब बातें नहीं है। पुनर्जन्म किसको लेना है और किसको नहीं लेना है? मनुष्यों को पुनर्जन्म जरूर लेना है और सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को तो संपूर्ण स्टेज में, क्योंकि स्थूल शरीर उनका नहीं, यानी देहभान की स्टेज वाले नहीं। स्थूल शरीर का बंधन खला, तो मनुष्य आत्मा जो है उनको पुनर्जन्म जरूर लेना है। अर्थात मनुष्य आत्मा है देह के पुनर्जन्म निश्चय निश्चय के चक्र में भी आती है
और सूक्ष्म मतनवासी देवताएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, सिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं। और जो पूज्य बनता है उसको कब नमन नहीं करना पड़ता। नमन मन माथा झुका के नमन या नमस्ते करते हैं, झुकना। तो जो पूज्य होगा उसको झुकने की दरकार नहीं रहेगी। पुजारी नमः करते हैं अथवा नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांड थोड़ा नीचे जरूर करेंगे, माथा नीचे जरूर झुकाएंगे। तो तुम बच्चों को बाप माथा झुकाना नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? माथा ऊंचा हो, माना पवित्र बनते हो तो माथा ऊंचा हो जाता है। अपवित्र बनते तो सबको माथा टिकाना पड़ता। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार ही नहीं है। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताएं नमः, न शंकर देवताएं नमः। ये अक्षर ही पुजारी बनता है। अब तो तुमको सारी शक्ति का मालिक बनना है। बाप को ही याद करना है। कैसे भी हैं वह सर्व समर्थ है। कालों का काल अकाल मूर्त है। सत्यकरण कहता है ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी महिमा बहुत करते थे, फिर कह देते थे सर्व जाति कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वो भी कहते हैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ। बच्चों को आकर के ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। और तुम्हारी है रूहानी सेवा। सब कहा जाता है ज्ञानंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेरे बिना। सच्चा सतगुरु वो एक ही है, वो ही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर के इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। यह ज्ञान इंजेक्शन और कोई के पास नहीं होता। आत्मा पहले पतित बनी है न कि शरीर। जिसको इंजेक्शन लगाए पांच विकारों की कड़ी बीमारी है,
इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी नहीं है। बाप आकर के आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्मा, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला और परछाया डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बनाई दिया। कैसी बुद्धि? धुंध, धुंध माना धूल पैदा करने वाली बुद्धि। देह अभिमानी की धूल, देह क्या है? मिट्टी ही तो है, बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है। ये रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे आने की रीति कैसी है? साधारण, न आने का पता चलता न जाने का पता चलता। और जो मनुष्य आत्मा में प्रवेश करती है उनके आने का भी पता चल जाता, चेहरा मोरा सब बदल जाता। तो साधारण रीति आता हूँ इसलिए मेरे को कोई विरला ही जान सकते हैं। सब कोई मेरे को नहीं जान सकते। और ब्रह्मा की सोल आती है तो सब सब जान जाते हैं। कहाँ आती है? गुलियार दादी के तन में जब ब्रह्मा मनुष्य की सोल आती है तो सब सबको पता पड़ जाता है, क्योंकि साधारण रीति नहीं आती है। लेकिन मैं साधारण रीति आता हूँ इसलिए कोई को पता नहीं पड़ता। कोई बिरला जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है और कृष्ण जयंती अलग है। शिव जयंती कोई बिरला ही जान पाते हैं और कृष्ण जयंती बहुत जान जाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव को कृष्ण से मिला नहीं सकते, वो निराकार और वो साकार। दूसरा बोल, बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पति पावन आकर इस भारत को फिर से सत्य की दैवी राजस्थान बनाओ। इसलिए बुलाते हैं नरक से स्वर्ग बनाने के लिए बुलाते हैं। तो जिस कार्य अर्थ बुलाया है वो कार्य किए बगैर थोड़ी वापस चले जाएंगे। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, तो फिर कौन स्थापन करेगा? लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दैवी राजस्थान भारत को बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते? ब्रह्मा द्वारा। तो द्वारा माना मीडिया, तो मीडिया ही अगर नहीं होगा तो दैवी राजस्थान कैसे बनेगा? तो इसका मतलब कि मीडिया भी जरूर जरूर चाहिए और परमपिता परमात्मा भी उस मीडिया में जरूर चाहिए। जो करण करावन हार का पाठ बजाने वाला अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रस्तान। जब राज्य ही पतित का है
तो यथा राजा तथा तथा सारी प्रजा। माया ने खत्म कर दिया। अब तुमको देह सहित देह के साथ संबंधियों को भूल, मुझ बाप को याद करना। इसको याद करना है, देह अपनी देह को भी भूलना और अपनी देह के जो भी संबंधी हैं उनको भी भूल जाना। और याद किसको करना है? मुझे एक ज्योति बिंदु सेवको है, किसको याद करना? देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल, मुझ बाप को याद करना। मैं बाप कैसा हूँ है? विदेही, विदेही माना रूहानी स्टेज वाला, निराकारी स्टेज वाला, जिसका किसी देह से और देह के संबंधियों से लगाव लगाव नहीं हो सकता। शरीर निर्वाह कर्म भी बल करो, बल क्यों लगा दिया है? करना ही है, अगर करना ही हो तो बल नहीं लगाया जाता। बल शादी करो, बल मकान बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कि बाबा ने तो गारंटी दी हुई है कि जो बच्चे मेरी सर्विस में रूहानी सेवा में रहेंगे उनको दो रोटी मिलेगी जरूर। लेकिन अगर इतना निश्चय नहीं है तो क्या करें? बल बल शरीर निर्वाहार धंधा तो ब्राह्मणों का भी धंधा है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों का धंधा नहीं है, ब्राह्मणों का धंधा है रूहानी सेवा, विश्व की सेवा। तो वो विश्व की सेवा करेंगे तो दो रोटी तो जरूर मिलेगी। लेकिन अगर इतना निश्चय नहीं है तो बल बल शरीर निर्वाहार से कर्म भी करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। शरीर निर्वाह 8 घंटा देने के बाद फिर जो बचे टाइम उसमें मुझे याद करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, एक के अलावा और कोई ये दूसरा व्यक्ति ये युक्ति नहीं बता सकता। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको रहेगी अमृत वेले। और टाइम में मेरी याद नहीं रहेगी उतनी जितनी अमृत वेले रहेगी। अमृत वेले कौन सा टाइम है? चलो ठीक है, मतलब रात्रि के 12 बजे के बाद से लेकर सूर्योदय तक ज्ञानी और भक्तों के लिए अमृत वेला हो गया। ज्ञानियों के लिए पहले और भक्तों के लिए बाद में। तो सारी शक्ति पर ही अमृत वेला हो गया क्या? पृथ्वी तो गोल है, जब भारत में अमृत वेला होता है तो अमेरिका में दोपहर हो जाता है। तो सबसे जास्ती याद कौन से टाइम पर रहेगी? अरे ये अमृत वेला तो हुआ नहीं, तो असली अमृत वेला है वो तो अमृत वेला है स्थूल सूर्य के हिसाब से। स्थूल सूर्य जब उगता है और जहाँ उगता है तो उसके उगने से पहले अमृत वेला मान लिया है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल सूर्य के हिसाब से है या चैतन्य ज्ञान सूर्य के हिसाब से अमृत वेला है? चैतन्य ज्ञान सूर्य के हिसाब से अमृत वेला है।
तो चैतन्य ज्ञान सूर्य का उदय कब कहें? 76 है। विदेशियों के लिए है अमृत वेला या भारतवासियों के लिए है अमृत वेला? भारतवासियों के लिए 76। उस समय बोला विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो 76 में विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। तो विदेशियों ने सूर्य का उदय कौन से टाइम से माना जाता है? रात्रि के 12 बजे से। वो नई तारीख की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समझते हैं अब दिन शुरू हुआ, सूर्य उगना शुरू हो गया। लेकिन वास्तव में उस समय तो घोर अंधकार होता है, इसलिए भारत में गायन है महाशिवरात्रि, छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। तो असली शिवरात्रि कब? शिव की जयंती कब होती है? दिन असली कब शुरू होता है? अमृत वेला कब कहें? हाँ, मान लो रात्रि के 12 बजे कोई जग भी जाए या जग के देख लो, रात्रि के 12 बजे 2-4 दिन पुरुषार्थ करके देखो तो क्या होगा? है? जैसे मुर्गा रात के 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे बांग लगाता है और बार बार सो जाता है, तो ऐसे ही क्या होता रहेगा? जागना और अज्ञान की नींद में सो जाना। तो ये अच्छा है, एक बार जग जाए तो फिर जगता ही रहे, अगर सो गया तो किया हुआ पुरुषार्थ सब मत देखा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि जग तो गए 76 में, परमात्मा बाप की पहचान मिल गई, बाप को पहचान लिया और फिर माया रावण ने सुलाई दिया, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक, 4:30 बजे तक का अमृत वेला बताया असली। तो ये किस हिसाब से बताया? ये ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में जो बेहद का अमृत वेला होता है, वो भी रात्रि के 12 बजे से, अर्थात विदेशी आत्माओं के द्वारा, जो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के जो मुख्य बीज हैं एडवांस पार्टी के, उनके द्वारा वो बाप प्रत्यक्ष होता है 76 से। लेकिन वो विदेशी पहले पहचानते भी हैं, तो पहले ही पहले उसको भूल भी जाते, अज्ञान नींद में सो जाते। तो एक तरफ पहचानते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते। 81 तक आते आते अज्ञान अंधकार में डूब जाते। तो कितना जल्दी उठने से भी कोई फायदा? फायदा नहीं हुआ। कोई कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आए, इतने टाइम से ज्ञान सूर्य होगा हुआ, हमें क्यों नहीं पहले पता चला? तो बाबा मुरली में कहते हैं, पहले आए होते और फिर माया खा जाती तो क्या कोई ज्यादा फायदा था? इसलिए अच्छा हुआ ड्रामा प्लान अनुसार बाद में आए। तो तुमको सबसे जास्ती मेरी याद अमृत वेले रहेगी। तो असली अमृत वेला कब कहें? बाप कहते हैं कि मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। सन सोल्स फादर, फादर सोल्स सन। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे, दम है? है बाबा, है। बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे। 63 जन्म की काली तमो प्रधान आत्मा कमजोर बनी पड़ी, तमो प्रधान आत्मा सेवा कर सकती है? तो बाप है सर्वशक्तिवान, वो सर्वशक्तिवान बाप अपने को पहले प्रत्यक्ष नहीं करता। पहले किसको प्रत्यक्ष करता है? बच्चे।
बच्चों को पहले प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों में पहला बच्चा कृष्ण बच्चा, तो कृष्ण बच्चा शास्त्रों में दिखाई दिया कि जब द्वापर हुआ तो कृष्ण आया, तो उस द्वापर की तो बात नहीं, वास्तव में द्वापर की शूटिंग का जब पीरियड होता है तो 88-89 में वो कृष्ण बच्चा किसी ब्राह्मण बच्चे के थ्रू प्रत्यक्ष होता, तो वही असली अमृत बेला का पीरियड हो गया। इसलिए बाबा ने मुरली बोला है कृष्ण का जन्म होना चाहिए 3-4 बजे, रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि, शिव जयंती नहीं कहते हैं इसलिए, क्योंकि शिव की प्रत्यक्षता तो होती है विदेशियों के द्वारा, लेकिन जय जयकार नहीं हो पाती, पूरा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, उसकी प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में असली होती है कब, 87-88 में भी पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती, क्योंकि उस समय कृष्ण बच्चा तो है लेकिन भारत में प्रवृत्ति मार्ग पक्का माना जाता है और निवृत्ति मार्ग पक्का नहीं माना जाता। ज्यादा मान किसको है, परमात्मा आकर ज्यादा मान किसको देता है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को। तो कृष्ण अकेला बच्चा है या प्रवृत्ति मार्ग का है, अकेला बच्चा। अब राधा बच्ची का तो जन्म ही नहीं, तो 3-4 वर्ष का अंतर बताया राधा और कृष्ण के जन्म में, तो राधा बच्ची का भी जन्म हो, लेकिन वो अलग कुल का, वे अलग कुल का, तो प्रवृत्ति कैसे मिले, तो इसलिए दिखाया स्वयंवर हुआ। तो जब स्वयंवर हो तब कहें संपूर्ण प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा, तो बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं पूरा पूरा। तो कृष्ण जन्म से लेकर के और स्वयंवर तक ये हुआ अमृत बेला असली। इस टाइम में जिसने पुरुषार्थ कर लिया तो वो असली पुरुषार्थ हुआ। इसमें सबसे जास्ती याद रह सकती है, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है, उस समय न चोर चोरी करते हैं और न कोई पाप करते हैं, न कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, चोरी करना, जो पहली नींद होती है ना उसमें चोर डकैती भी अटैक करते हैं, क्योंकि पहली जो नींद होती है वो बहुत गहरी होती है। तो सोने के टाइम चोर चोरी करते हैं, विकारी विकार में जाते हैं, तो उस समय वायुमंडल अच्छा नहीं होता, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे पास इज पास, जो बीती तो बीत गई, अब क्या है, अब जो अमृत बेला है असली उसका उपयोग कर लो, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ, अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि शक्ति की वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि तो होती ही रहती है, जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है, जब सभी आ जाएंगे तब बिना शुरू होगा। तो नंबर बार सबको वापस जाना है,
गाइड सबसे आगे होता है। वापस जाते समय सबसे आगे होगा गाइड, गाइडेंस देने वाला। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पति तो पावन, पावन दुनिया है स्वर्ग, तो बाप कहाँ के लिए गाइड करते हैं? स्वर्ग में ले जाने के लिए गाइड करते हैं। तो उस स्वर्ग को बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता, कोई मनुष्य में ये ताकत नहीं कि जो समझता हो कि हम ज्ञान सुन करके, समझ करके, सीख करके और स्वर्ग स्थापन कर देंगे। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो, गांधी जी चाहते थे क्या कि राम राज्य हो, परंतु कर न सके। वो तो अर्ध की दुनिया के गांधी जी हुए, और ब्राह्मण की दुनिया के गांधी जी कौन हुए? जो चाहते थे कि राम राज्य हो, स्वर्ग स्थापन हो, लेकिन पहले ही शरीर छोड़ गए। कोई ने ज्ञानी की गोली मार दी, नाथूराम गोडसे क्रोधी ने। तो गांधी जी चाहते थे, परंतु राम राज्य स्थापन कर न सके, और ही क्या हो गया, और ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रावण राज्य स्थापन हो गया। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो पास हुआ तो हुआ, कथित राजाओं का राजस्थान खत्म होना था। तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। तीसरे नंबर के रजिस्टर में दूसरे पेज का मध्याद्ध 3188 का तहत क्लास, राजस्थान खत्म होना था, तो उनका नाम निशान खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते तो उन्हें लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। क्या यज्ञ के आदमी कौन मालिक थे? जानते भी थे, लेकिन ये नहीं जानते तो उनको मालिक किसने बनाया। सिर्फ पढ़ते रहते हैं शास्त्रों में और दूसरों को पढ़ करके सुनाते रहते हैं। क्या पढ़ते और सुनाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, तो उनके भी मालिक हुए ना। लेकिन जानते नहीं है कि उन मालिकों को मालिक बनाने वाला कौन था। उनको ऐसा किसने बनाया? जरूर स्वर्ग की रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे नहीं सकता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल लिया। कौरव और पांडव दोनों को राजा ही दिखाते हैं, गीता में नाम किसका बदल के रख दिया? निराकार बाप की जगह साकार कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्या शूटिंग हुई? निराकार स्टेज में रहने वाले बाप प्रजापिता की जगह पीयू की जगह साकारी ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो हद बेहद की गीता में नाम बदल दिया, कौरव और पांडव दोनों को राजा ही दिखाते हैं।
परंतु यहाँ दोनों को राजा ही नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं काहे की राजा ही की। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, हम सब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बस ज्योति ज्योति में समाया और पार निर्वाण अथवा मुक्त को कोई गया नहीं। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वो कहते हैं स्वर्ग पधार। दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं? बुद्ध पार निर्वाण गया, गुरु नानक पार निर्वाण गया। तो दूसरे धर्म वालों को क्या अच्छा लगता है? माना परम धाम की मुक्ति अच्छी लगती, वो उसको ऊंचा समझते, और भारतवासी स्वर्ग को ऊंचा समझते। वास्तव में ऊंचा स्थान है कौन सा? सुख धाम तो इसी शक्ति पर नीचे होता है और शांति धाम ऊपर होता है, तो ऊंचा कौन हुआ, शांति धाम या सुख धाम? शांति धाम ऊंचा हुआ। सुख धाम तो वो सुख धाम की स्टेज बाबा ने बताई है, जहाँ हम जब चाहे तब निराकारी स्टेज में स्थिर होकर के शांत हो जाए, तो शांति भी हो और मन की स्टेज ऐसी बन जाए कि इस नरक की दुनिया में रहते हुए ही हम स्वर्ग का वर्षा अनुभव करें। इंद्रियों के सुख के भोगी नहीं, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। जीवन में रहते हुए ही जीवन मुक्ति की स्टेज का अनुभव करें। तो वो है पक्के भारतवासी 84 जन्म लेने वाले, जो 21 जन्मों में से पहले जन्म का पूरा वर्षा बाप से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, मध्यम स्वर्ग को नहीं, नंबरवार स्वर्ग के गार्डन को नहीं याद करते, लेकिन ऊंचे से ऊंचा जो गार्डन है स्वर्ग का उसको याद करते। तो भारतवासी कहते हैं स्वर्ग पधारा। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। तो उनको स्वर्ग मीठा लगता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो स्थूल मौत की बात है क्या? कौन सी मौत की बात है? जो जीते जी मरते हैं भारतवासी, वो जीते जी मरने वाले ही स्वर्ग में पहुंचते हैं। जब तक जीते जी मरने की स्टेज पर नहीं पहुंचे, तब तक न बाप के घर में रह सकते और न स्वर्ग का अनुभव कर सकते। बाप समझाते हैं मुक्ति तो कोई पाता ही नहीं कि हमेशा के लिए कोई को मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सभी का सदगति दाता बाप है, वो जरूर सबको सुखी ही देगा। जरूर क्यों देगा? कोई को चाहिए नहीं तो क्यों देगा? है खुद तो 5000 वर्ष मुक्ति धाम में रहता है और दूसरों को कहता है कि तुमको हम जरूर सदगति दूंगा, एक साकार शक्ति पे भेजूंगा, तो क्यों है? सदगति किसके द्वारा मिलती है? सतगुरु द्वारा। और सतगुरु दलाल के रूप में साकार में होता है या सिर्फ निराकार? जब सतगुरु मिला दलाल, दलाल का मतलब बीच में मीडिया, तो दलाल जब साकार हुआ तो साकार साकार में देगा या निराकार में देगा? जरूर साकार में देगा। तो उस सतगुरु का जिनको पता नहीं है वो फिर बीच वाले गुरुओं में फंस जाते हैं, इब्राहिम बुद्ध कैसे आदि गुरु गुरुओं में, अधूरे गुरुओं में फंस जाते हैं और उनसे सिर्फ मुक्ति का वर्षा लेते हैं।
तो जैसे परमात्मा बाप शिव ज्योति बिंदु स्वर्ग में नहीं आता, वैसे वो धर्म पिताएं भी स्वर्ग में नहीं आते, तो उनके फॉलोअर्स भी जो बाप का स्थापन किया हुआ डायरेक्ट स्वर्ग है उसमें नहीं आ सकते। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये भी बात सही नहीं कर सकते क्या? बाप को ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक बच्चा सुख भोगे एक बच्चा दुख भोगे। बाप वर्षा सबको देगा योग्यता के अनुसार। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। सिर्फ द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, पांच तत्व आदि सब समोपधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। नेचुरल ब्यूटी रहती है, उस ब्यूटी में कसित रहती है। देखो कृष्ण में कितनी कसित है, तो कृष्ण कौन सी दुनिया में होता है? कृष्ण होता है वैकुंठ में, और ब्रह्मा कौन सी दुनिया में होता है? ब्रह्मा की आयु कहाँ पूरी होती है? मृत्यु लोक। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खत्म हो जाता है, तो मृत्यु लोक में जब ब्रह्मा खत्म होगा तो उसका कौन सा लोक शुरू होगा? है अमर लोक शुरू होगा। तो ब्रह्मा कब से शुरू हुआ? ब्रह्मा कब से कहें? जब से परमात्मा बाप आते हैं तब से ब्रह्मा नाम पड़ता है। 36 में बाप आया तो 36 में जरूर ब्रह्मा तन में आया, ब्रह्मा का तन लिया ना, तो बाप प्रजाति का ब्रह्मा के द्वारा आते हैं। तो कहा कृष्ण में देखो कितनी करते थे, नाम ही है स्वर्ग। परमात्मा की बहुत महिमा करते हैं अकाल मूर्त, फिर उनको ठिकर वित्त में ठोक देते हैं। जब अकाल मूर्त है काल से भी परे, काल जिसको खाए नहीं सकता बांध नहीं सकता, और जो मूर्त मान है ऐसी अमूर्त है अव्यक्त ही है, तो उसको फिर पत्थर ठिकर में ठोक दिया। फिर ठिकर बुद्धियों में आता है, पत्थर बुद्धियों में आता है, ये तो बड़ी भारी दुर्दशा कर दी। सब कहते हैं सर्वव्यापी है, परंतु उनका निवास कहाँ है? फिर भी कहेंगे कि सर्वव्यापी, तो बाप को तो जानते ही नहीं। जाने तो क्या कहें, सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी हो तो जाना जा सके, और सर्वव्यापी है तो जानने की तो बात ही नहीं। जब बाप आए तब आकर के समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रहते तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े, बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़ेगा? अब बाप कहते हैं
लक्ष्मी नारायण को बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जबरदस्त मंजिल है, लक्ष्मी को बनना है तो क्या करना पड़े है? नारद को क्या करना पड़े? बंदर से किस लायक बनना पड़े? मंदिर लायक बनना पड़े। जब तक बंदर है तो लक्ष्मी को वर नहीं सकता, तो बड़ी जबरदस्त मंजिल है। बहुत भारी आमदनी है, बहुत लोग दे रहे हैं। जल्दी करो, क्या करो जल्दी? मंदिर लायक बन जाओ, बंदरपना छोड़ दो। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, तो अब अपवित्र हो गया है। सब भिखारी बन गए। ये है ही आखिरी दुनिया। बहुत करप्शन हुई है। राजा ही में तो ताकत चाहिए ना, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। राजाई में ताकत चाहिए और राजाई में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। कोई राजा धनी धोरी कोई कंट्रोलर है ही नहीं, तो प्रजा में क्या ताकत होगी? प्रजा के राज्य में भी ताकत नहीं हो सकती। राजे लोग तो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं तब उनको राजा घर में जन्म मिलता है। ऐसे थोड़े कि कोई ने अच्छे कर्म न किए हो और उनके घर में जाकर के राजा ही घराने में जाकर जन्म ले ले। वो कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंच कर्म करते हो, सब कुछ शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को ही सब कुछ बच्चों को अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण करके सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब MLA आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा ही कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत दे रहे हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये हैं सब नई बातें। तो नारद की भी बात अभी है। नारद मन नार माना जल, ज्ञान जल, और द माना देने वाला। देने वाला तो है क्या? ज्ञान रूपी जल। लेकिन खुद भटकता कहाँ था? पांव पांव मृत्यु लोक में, और दूसरों को संदेश देता था चलो चलो बैकुंठ। अब खुद का मोहरा कैसा था है? बंदर का। तो ये नारद की बात अभी की है। झांग बजाता रहता था क्या? चलो बैकुंठ। झांग बजाई और मुख से बोला चलो बैकुंठ। तो ये सब गायन आदि शास्त्रों में अभी के हैं। अच्छे गायन हैं तो वो भी अभी के हैं, और बुरे हैं तो भी अभी के हैं, और रामायण आदि भी अभी का है। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता ही नहीं। तीसरा तीर सभी शास्त्रों का अभी से तल्लुक है। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किस समय की यादगार है? अभी की यादगार है।
डार को देखेंगे मठ पंथ सब बाद में आते। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये कौन स्थापन करता है? शिव बाबा आकर के तीन धर्मों की स्थापना करते, ब्राह्मण, देवता और जो देवता नहीं बन पाते वो हो गए अधूरे क्षत्रिय। संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं तो संपूर्ण देवता बनते, संपूर्ण ब्राह्मण बन करके पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी तो क्षत्रिय बन पड़ते। ब्राह्मणों की चोटी की बात यहाँ की है, ब्राह्मणों की चोटी देखी है, है? है? टेलीविजन में देखी है? है? कौन से सीरियल में? चाणक्य सीरियल में कितनी मोटी चोटी दिखाई गई है, गाय के खुर इतनी मोटी। तो ब्राह्मणों की चोटी की बात यहाँ की है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, उस चोटी का फाउंडेशन कितना मोटा, गाय के खुर इतना, गाय का बुद्ध रूपी पांव। तो गाय कैसा जानवर माना जाता है? सीधा और पवित्र। गाय को सब जानवरों में पवित्र मानते हैं और सीधा मानते हैं। क्यों पवित्र मानते हैं? उस जानवर गऊ की बात नहीं है, ये भारत की कन्या माताओं की बात है कि जो उनको जिस खूंटे से बांध दिया जाता जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहती और पवित्रता का पालन करती, व्यभिचारी पैदा अपने जीवन में नहीं करती। तो इसलिए गाय का मिसाल दिया जाता है। तो चोटी का मिसाल भी गाय के खुर के बराबर अभी की बात है। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई वर्ण नहीं, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है ब्राह्मण वर्ण का। क्यों? शास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण को क्यों निकाल लिया? विराट पुरुष के चित्र में से भी ब्राह्मणों को निकाल दिया, बाकी किसको दिखाया? देवताओं को दिखाया, मस्तक समान देवता, क्षत्रिय बाहों के समान, पेट और जंघाओं के समान वैश्य, और शूद्र पांव। तो वहां भी ब्राह्मणों को निकाल दिया और शास्त्रों में से भी ब्राह्मणों को निकाल दिया। तो विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ाई देते हैं। क्यों उड़ाई दिया? कारण है, ब्राह्मणों को क्यों उड़ाई दिया है? ब्राह्मणों के इसलिए उड़ाई दिया है कि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते, जब तक ब्राह्मण बने की स्टेज है तब तक ऊंचे नीचे होते रहते, अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी शूद्र बन जाते। त्रिमूर्ति से शिव बाबा को उड़ाई दिया है, सिर्फ ब्रह्मा ब्राह्मणों को ही नहीं उड़ाई दिया, त्रिमूर्ति से शिव बाबा को भी उड़ाई दिया। अच्छा चलो, ब्राह्मण तो ऊपर नीचे होते रहते इसलिए उनको उड़ाई दिया भक्तों ने, फिर शिव बाबा को क्यों उड़ाई दिया? शिव बाबा भी क्या ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, वो तो परमधाम जाता है, वो तो बाद की बात, जब विनाश होता है तो परमधाम जाता है। ये यादगार कहाँ की है जो शिव बाबा को भी उड़ाई दिया? संगम में कैसे? हाँ, शिव बाबा का जो पार्ट है वो ऐसा वंडरफुल पार्ट है, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो जिन भक्तों ने समझ नहीं पाया तो उन्होंने शिव बाबा को भी उड़ाई दिया।
राम को भी काला मुंह दिखाई देते हैं, कृष्ण को भी काला मुंह दिखाई देते हैं और शिवबाबा का भी लिंग काला बनाई देते हैं। वैसे ऊंच ब्राह्मण बच्चों को भी उड़ाई दिया है, जैसे शिवबाबा को उड़ाई दिया। ड्रामा में ऐसी नूद है, दुनिया के लोग ये नहीं समझते हैं कि भक्ति से नीचे उतरते, क्योंकि भक्ति में होती है अंधश्रद्धा, ज्ञान की बात नहीं, बुद्धि से पहचानने की बात नहीं। श्रद्धा विश्वास भावना अलग चीज और अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये अलग चीज। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सुमिरन करते हैं, तो तुम अनुभवी हो क्या? जब दुख पड़ता है तो ब्राह्मण भी क्या करते हैं, बहुत याद करते हैं। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गोली मारते रहते हैं। बंदर में इतना क्रोध होता है क्या? कितना है जो कोई को गोली मार दे? ये तो कितनों को मारते हैं। अभी तुम शिवाय नमा नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना, बाप को सर जाति कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते हो बहुत अच्छा है, तो भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना। कब? जब एक बाप हो प्रैक्टिकल में तो भाई भाई हुए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं। अगर बाप एक व्यापी है तो बच्चे हैं, और सर्वव्यापी हो जाए फिर तो हिंदू मुस्लिम हिंदू चीनी भाई भाई कैसे होंगे? तो यादगार कहाँ की है ये? कैसे कि संगम युग में बाप जब 76 में प्रत्यक्ष होता है तो चारों ही मुख्य धर्मों के जो बीज हैं वो उस परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने में लग जाते हैं, पहचान लेते हैं उस बाप को। तो चारों ही बच्चे जैसे आपस में भाई भाई हो गए, जिनको शास्त्रों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में दिखाई दिया, या ब्रह्मा के प्रथम चार पुत्रों के रूप में दिखाई दिया, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। तो एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हमें एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। फिर से क्यों स्थापन हो रहा है? पहले स्थापन हुआ तो माया ने तितर बितर कर दिया यज्ञ के आदि में, फिर दोबारा स्थापन हुआ तो फिर 76 में चारों भाई फिर इकट्ठे हुए, परमात्मा बाप को पहचाना और फिर माया ने वायलोरा डाल दिया। तो बताया कि ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद, तो पहले पहले ब्रह्मा की औलाद कौन हुए? वही चार सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये ब्रह्मा के सबसे पहले बड़े चार पुत्र हैं। ये पहली पैदाइश है। तो ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है। इस ब्राह्मण धर्म से, जिस ब्राह्मण धर्म में जो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण चोटी हैं, वो चारों ब्राह्मण जब तक आपस में भाई भाई की स्टेज में न पहुंच जाएं, प्रैक्टिकल स्टेज में न पहुंच जाएं, एक दूसरे में जो दुश्मनी भरी पड़ी है वो खत्म न हो जाए, तब तक ब्राह्मण धर्म से देवता धर्म नहीं बन सकता। तो ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन होता है, इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है।
जिसके लिए लोग गाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू चीनी भाई भाई, ये भाईचारे की यादगार है जो बाप ने आकर के असलियत में भाई भाई बनाया है। देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों से फिर इस्लाम धर्म निकलेगा। हिजरा है ना, फिर बौद्ध क्रिश्चियन से निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा जाल हो गया, यह है बेहद का हिजरा। वो होता है हद का, वो सिद्रा होता है भक्ति मार्ग में हद का, और ये है बेहद का। ये डिटेल की बातें हैं जो धारण नहीं हो सकती, तो उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं क्या करो। उन बेहद की बातों को जो डिटेल में धारण नहीं हो सकती, बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं जा सकती, तो क्या करो। इतनी गहराई में अगर बुद्धि नहीं जा सकती है तो बाप को याद करो, क्योंकि बाप की तो ऐसी स्टेज है कि विस्तार में भी जा सकता है तो सार में भी समा सकता है। तो तुम बहुत याद नहीं कर सकते, बहुत विस्तार में नहीं जा सकते, तो क्या करो। तुम सबको छोड़ो, क्या करो, मुझे एक बाप को याद करो, तो स्वर्ग में तुम जरूर आ जाएंगे। जो ऊंचे थे ऊंचा स्वर्ग है बाप की रचना। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को भी तुम, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं और ये बाबा भी समझाते हैं। कितने बाबा हैं? दो बाबा हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। दोनों बाबा तुमको समझाते हैं, वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। किसकी किसकी बुद्धि में? हमारी और तुम्हारी बुद्धि में। भला हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिल सकता। किन से? मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों से भगवान हमको मिल नहीं सकता, उससे मिलन मेला हम नहीं बना सकते। भगवान बाप से मिल नहीं सकते, फिर काय से मिलेंगे? ज्ञान से? वो कहां से आएगा? हाँ, बाप खुद आकर के बच्चों को अपनी अपनी पहचान देते हैं। तो बाप के द्वारा ही बाप को पहचाना जा सकता है, निश्चय बुद्धि बना जा सकता है, वरना कोई निश्चय बुद्धि हो नहीं सकता। ये कैसे? क्या दूर बैठे बाप को नहीं पहचाना जा सकता, निश्चय बुद्धि नहीं बना जा सकता है? सन्मुख आना जरूरी है क्या है? अरे है? जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि बाप ने बोला। तो कोई बच्चे कहते हैं हमें 2 साल पहले ही निश्चय हो चुका था, तो बाबा कहते हैं कि तुमको खाक निश्चय नहीं हुआ। जिसको निश्चय हो जाए वो तो 1 सेकंड भी मिले बगैर रुक नहीं सकता।